हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लेडीज़ पैंट पर पॉकेट लगाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी मदद से आप पॉकेट लगा सकेंगे और वो भी बड़ी ही आसानी से। अगर आपको पॉकेट में कोई भी दिक्कत आती है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, तो इससे कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पैंट की कटिंग मैंने पहले ही कर ली थी और जो उसकी कटिंग में से साइड से जो कपड़ा निकला है ना, उससे हम पॉकेट निकालेंगे। तो ये देखिए, पॉकेट की लंबाई हम 13 इंच रखेंगे, 13 इंच। 13 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से। जो पैंट में हम पॉकेट लगाते हैं वो ऊपर की साइड से थोड़ी कम होती है चौड़ाई उसकी और नीचे से ज़्यादा होती है, तो इसी के अनुसार यहाँ से आप 5 या 5.5 इंच पे निशान लगा लीजिए इस तरह से। अब नीचे की तरफ से लगाएंगे हम, नीचे की तरफ से हम चौड़ाई 7 इंच रखेंगे इस तरह से। अब इसे आपस में मिला देंगे इस तरह से तिरछा करके। जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा उसको हम कट कर देंगे। जैसे निशान लगाए ना, उसी निशान पे हम इसको कट कर देंगे। और अब इसके बाद नीचे की तरफ से हम थोड़ी सी इसकी एक्स्ट्रा गोलाई करेंगे, लगभग 1 इंच की इस तरह से निशान लगा लेंगे 1 इंच की गोलाई का। और अब इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से। तो ये देखिए, पॉकेट की कटिंग हो गई है। अब इसको हम पैंट के साथ अटैच करेंगे। तो ये देखिए, जो पैंट की जो मतलब पहले से मैंने इसको जोड़ लिया है आगे से, इसमें प्लेट्स भी लगा ली हैं। अब पैंट का फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। चाहे तो आप पॉकेट दोनों साइड लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉकेट लेडीज़ पैंट में राइट साइड ही लगाई जाती है। लगाने वाले दोनों साइड भी लगाते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी इस पर मैं देखिए राइट साइड लगा रही हूँ, तो पैंट का जो राइट साइड है वो लेंगे और उसके ऊपर हम इस पॉकेट को इस तरह से रख लेंगे। जिसकी चौड़ाई कम थी वो ऊपर की तरफ, और जहाँ जहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा थी वो नीचे की तरफ रखना है। इस तरह से हम अच्छे से ऊपर से मिलाते हुए किनारे से किनारे इस तरह से कपड़े को रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एक ऑल पिन भी लगा सकते हैं ताकि कपड़ा हिले ना इस तरह से। अब हम इसकी इस तरह से मेजरमेंट लेंगे ऊपर से। देखिए, हम 8 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, 8 इंच पे निशान लगाना है। और एक बीच में से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे, मतलब जो बीच का 6 इंच का कपड़ा है ना, ये हमारे जैसे कुछ भी सामान डालने के लिए काम आएगा। यहाँ से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इसको, ऊपर से छोड़ देना है, ये ऊपर सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ इसी लाइन पर 1 से 6 का जो था यहीं तक हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, अब सिलाई शुरू करेंगे, थोड़ा सा पक्का करते हुए सिलाई को आगे पीछे करके थोड़ा सा यहाँ तक ऊपर तक ले आएंगे इसको इस तरह से। यहाँ पे भी हम पक्का कर देंगे। अब हम मशीन से कपड़े को हटाएंगे और जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है यहाँ तक हम एक छोटा सा कट लगा देंगे इस तरह से। नीचे की तरफ भी इसी तरह से लगाएंगे। और अभी पिन हटा देंगे इसमें से। कपड़े को सीधा करके जो हमने पार्ट स्टिच किया है वो अंदर की तरफ रखेंगे और जो जहां पे कट लगाया है वो बाहर की तरफ इस तरह से निकाल लेंगे कपड़ा। नीचे से भी इसी तरह से निकाल लेंगे अच्छे से। अब इसको इस तरह से पलटते हुए जो ये कपड़ा हमने स्टिच किया है ना पहले जहाँ पे सिलाई लगाई है, यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाकर इसको अच्छे से मतलब फिक्स कर देंगे। टॉप स्टिच लगाना है हमें इस पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए। इस तरह से। तो देखिए, सिलाई लग गई है।
अब इसके बाद जो ये पॉकेट का कपड़ा अंदर की तरफ है इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से, पूरा खोलकर सीधा कर लेना है। और जब ये पॉकेट का जो ये सेंटर पार्ट है जहाँ पे क्रीज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से हम सेंटर से पकड़ेंगे इसको इस तरह से, और अब यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए पॉकेट नीचे से बंद हो गई है। अब इसे हम पलट लेंगे अंदर से, इस तरह से पलट लेना है। अब पॉकेट को इस तरह से साथ में मिलाते हुए पैंट का जो कपड़ा है उसको भी हमने साथ में पकड़ना है, और इसे भी इस तरह से पकड़ना है। अब इसको कपड़े को और पैंट को, मतलब पॉकेट के कपड़े को और पैंट के कपड़े को इसको अच्छे से हम आपस में स्टिच कर देंगे इस तरह से, ऊपर से भी हम इसी तरह से करेंगे, यहाँ से भी अच्छे से फिक्स कर देंगे इसे। अब यहाँ से भी इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप पैंट पर पॉकेट लगाकर तैयार कर दी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।